अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सब के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। और दोस्तों आज मैं आपको इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना बताती हूँ, जो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और देखती हूँ कि कैसे बनता है और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने कल सहरी से इमली आलू बुखारा पहले से भिगोया हुआ था, तो अभी मैं इसको इनसे ये गुठलियाँ वगैरह ये हटा दूँगी ऐसे तरीके से, जैसा कि मैंने नेट में देखा है कि इसको हटा देने। इसके लिए मैं दूसरा बर्तन निकालती हूँ। तो दोस्तों इसको जितनी देर तक आप भिगोएंगे तो उतना ये अच्छी तरह से नरम हो जाएगा, तो इससे ये गुठली हटाना आसान हो जाएगा, जैसे कि मैं बहुत आसानी से हटा रही हूँ। और अब पता नहीं आगे कैसे मैं इससे शरबत अभी बनाऊंगी, मुंह में अभी से पानी आ रहा है मेरे, तो ये बहुत आसानी से हट रही है। और ये दोस्तों इमली है, इमली तो दोस्तों ये इमली की गुठलियाँ और खजूर की, तो ये मैं जमा करती हूँ। इसको धो के काफ़ी सारी मैंने इसको जमा की हुई है। आप इस तरह करते हैं दोस्तों, जमा करते हैं या नहीं? ये गुठलियाँ उसके लिए काम आती है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, वो अक्सर ख़त्म वगैरह पढ़ने के लिए काम आती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग को ये इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। बहुत आसानी से ये, तो दोस्तों अभी तक तो मक्खियाँ नहीं थी, तो मैं खुश थी कि चलो आज मक्खियाँ नहीं है किचन में। मगर जिस तरह यहाँ पर कुकिंग शुरू हो गया काम, तो मक्खियों की दावत शुरू हो गई। ये देखे दोस्तों ये मक्खी आ रही हैं। ओहो, ये नज़र आ रही है मक्खी अगर नज़र भी नहीं भी आ रही थी तो मैंने आपको दिखाई है। तो मक्खियों की दावत शुरू हो गई है, तो इससे पहले कि ये और भी ज़्यादा हो जाए, तो ये मैं जल्दी जल्दी ये कर लेती हूँ। ये हो गया अच्छी तरीके से। अभी इसको मैं किसमें, इसमें डालती हूँ। इसको अच्छी तरह की तरह से साफ कर लें। और ये हो गया, मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह मैं अच्छा बनाऊंगी शरबत। और साथ में ये इमली का जो इसमें पानी, इमली को मैंने इसमें भिगोया हुआ था, तो थोड़ा सा ये पानी डाल लूँगी और थोड़ा सा आलू बुखारे का पानी। और इसमें अभी इसको मैं चूल्हे पर रख कर इसको मैं पकाऊंगी, नहीं इसको ग्राइंड करूंगी। हाँ जी दोस्तों, ये है, पहले इसको मैं ग्राइंड करूंगी, उसके बाद मैं पकाऊंगी जी। इसमें मैंने चीनी डाल दी है, ज़रा कम डाली है, अगर ज़्यादा हो गई तो फिर बाद में मैं डाल लूँगी इसमें, इसलिए कि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कि पता नहीं फिर कैसे बनेगी। अच्छा जी, तो दोस्तों अभी मैं इसमें नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, अगर ज़्यादा हो गई। और ये काला नमक सफ़ेद नमक अपने अंदाजे से डाल दिया, चीनी भी अपने अंदाजे से डाली। अभी इसको मैं बॉयल करती हूँ ताकि ये ज़रा गाढ़ा हो जाए।
अच्छा जी दोस्तों, 10 मिनट हो गए और अभी तक ये बॉईल हो रही है, और दूसरे चूल्हे पर मैं पकोड़े और दही बल्ले भी साथ साथ बना रही हूँ, और देखती हूँ ये कब तक फिर गाढ़ी होती हैं। ये अच्छा जी दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा हो गया, मैंने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था, ये तकरीबन बस गाढ़ी हो गई मेरे ख्याल से, ये ठीक है। और अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और फिर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे कैसे शरबत बनेगा, और फिर आपको मैं ये अगले वीडियो में बताऊँगी कि कैसे है। दोस्तों ये तैयार हो गए, इतना ये थिक हो गए, अभी इसमें डालती हूँ और साथ में ये आइस। इसमें ठंडा पानी, इसकी लुक देखिए कितने मज़े की आई है। अब अल्लाह करे कि मज़े का भी हो भी टेस्ट में भी, इसलिए कि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए। और ये देखिए दोस्तों, अच्छा जी तो दोस्तों आज मैंने इमली आली बुखारे का शरबत बनाया है फर्स्ट टाइम, तो अल्लाह करे कि ये अच्छा बना, और अल्लाह करे कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आए, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, बाय, अल्लाह हाफिज़।